Most of us add initial to their names. Initial is the starting letter of the name. It helps in identifying names easily. But have you ever imagined what would happen if every name are changed to initials? Will it be easy or difficult? Hello everyone. Today we are going to discuss whether initials are good or bad. A Hindi chapter from class 9, Purvakshar ka Purvagrah, gives an idea whether to have full names or short names. But before diving into the chapter, let's have a look on writer. Lekhak Parichay. P.S. Ramanujam ka janm 6 October 1941 ko Chamrajnagar ke Bedmudlu gaon mein hua. Inke pita ka naam Pratibadi Bhayankar Sampat Kumar Acharya tha. Mata ka naam Indramma tha. प्रारंभिक शिक्षा चामराजनगर के हरदनहल्ली में शुरू हुई। मैसूरु के महाराजा कॉलेज में बीए में 5 स्वर्ण पदक लेकर उत्तीर्ण हुए। संस्कृत में इन्होंने पीएचडी और डीलिट की उपाधि प्राप्त की। बचपन से ही कविता कहानी लिखने की रुचि इनमें थी। आईपीएस में 6ठा रैंक प्राप्त करके कर्नाटक के पुत्तूर, कोडगु, कोलार आदि स्थानों में एएसपी, एसपी, डीजीपी के पदों पर काम करके निवृत्त हुए। बिल्ली की भाषा और अन्य लेखों के संकलन से इनको कीर्ति मिली। 30 से अधिक रचनाएं इन्होंने की है। साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पुलिस विभाग में योग्य सेवा के लिए इनको राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त हुआ। प्रस्तुत व्यंग्य रचना बिल्ली की भाषा से चुना गया है। इसका अनुवाद प्रोफेसर नंदिनी गुंडूराव जी ने किया है। सी हियर फर्स्ट वी विल सी द हार्ड वर्ड्स। व्हाट आर द हार्ड वर्ड्स हियर? प्रारंभिक शिक्षा मींस प्राइमरी एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा मींस प्राइमरी एजुकेशन। स्वर्ण पदक मींस गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मींस टू पास, टू क्लियर। उपाधि, उपाधि मींस डिग्री। निवृत्त मींस रिटायरमेंट। एंड संकलन, संकलन मींस कंपाइलेशन। कीर्ति, कीर्ति मींस फेम। ओके, सो हियर द राइटर, ही वाज बोर्न ऑन 6th अक्टूबर 1941 इन बेडमुडलू विलेज ऑफ चामराजनगर। वेयर ही वाज बोर्न? ही वाज बोर्न इन बेडमुडलू विलेज ऑफ चामराजनगर एंड हिज फादर्स नेम वाज संपत कुमार आचार्य and mother's name Indramma. His primary education was done at Haradanhalli in Chamrajnagar. He passed his BA degree from Maharaja College, Mysuru with 5 gold medals. He also took the degree of PhD and DLET in Sanskrit. From his early childhood, he was very much interested in writing poetry and stories. He secured 6th rank in IPS. Which rank he secured? 6th rank in IPS and worked as ASP, SP, DGP. These are the positions, ASP, SP and DGP in various parts of Karnataka like Puttur, Kodagu, Kolar, etc. And then he retired. He wrote many compositions like Billi Ki Bhasha and many more like that, for which he got fame. He has composed more than 30 compositions. He has also received Sahitya Akademi Award for Literary Service and President's Medal for Meritorious Service in the Police Department. This composition, Purvakshar Ka Purvagrah, has taken from Billi Ki Bhasha. So, this chapter, what we are going to see today, it is taken from a composition, Billi Ki Bhasha. And it has been translated by Professor Nandini Gundrao ji. So, this chapter has been translated by Nandini Gundrao ji. So, this was about the writer. Now, let's begin the chapter. We will see the ashay, that is meaning. Is vyang rachana mein lekhak ne angrezi bhasha moh ke prabhav ka tikshan vyang kiya hai. हमारे पठन लेखन से लेकर गांव शहरों के नाम, राजा महाराजाओं के नाम और यहां तक कि भगवानों के नामों का भी संक्षिप्तीकरण करने से होने वाली असमंजसता के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।
छात्रों को इस रचना द्वारा सुझाव दिया गया है कि वे अपने नाम और जन्म स्थानों की पहचान बनाए रखने के लिए पूर्वाक्षर का पूर्वाग्रह छोड़ दे। आजकल शहरों के नाम पूर्वाक्षरों में यानी अंग्रेजी के इनिशियलों में सिमट रहे हैं। यह बड़े खेद की बात है। इन इनिशियलों के मारे हमारे कर्नाटक के शहरों के नाम अपना कन्नड़पन, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व खो रहे हैं। सी हियर ऑल्सो वी विल सी द हार्ड वर्ड फर्स्ट। तीक्ष्ण व्यंग्य मीन्स हैज डिबेटेड वेरी डीपली, हैज टॉक्ड वेरी डीपली। पठन लेखन मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग। संक्षिप्तीकरण मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स। असमंजसता मीन्स कन्फ्यूजन। प्रकाश मीन्स लाइट। प्रयास मीन्स अटेम्प्ट, दैट इज ट्राइड। जन्म स्थानों मीन्स बर्थ प्लेस। देन पूर्वाक्षर मीन्स इनिशियल्स। पूर्वाग्रह मीन्स बायस, पार्शियलिटी। सिमट मीन्स टू श्रिंक, टू रिड्यूस, टू लिमिट। खेद मीन्स वेरी सैड। अस्तित्व मीन्स एग्जिस्टेंस। सो दीस वेर द हार्ड वर्ड्स। सी इन दिस कॉम्पोजिशन और चैप्टर द ऑथर हैज वेरी डीपली टॉक्ड एंड ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ टू मच अटैचमेंट टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज। The author has tried to focus on the changing trend of names, like names of villages, cities, kings, names of God are changing. People are no longer interested in calling out the original names. They want short forms of names. So with the help of this chapter, students are suggested to give up the habit of using short forms like initials, in order to maintain the identity of their name and birthplace. The author tries to say that if you keep using initials instead of original names, then you may one day lose the value of your name. Okay? Nowadays, names of cities are being limited to English initials. This is very sad. Because of these initials, we are losing our originality, our existence. You can see on the screen initials like KRS, BR, MM are used instead of full names. So these initials are losing our foundation, our originality. We are transforming our names to Western style. Okay. Now let's see the next para. Ek zamana tha jab keval aadmiyon ke naam ke pehle initial lagta tha. आज हम ये पूर्वाक्षर शहरों के नामों को भी बांट रहे हैं। समझ में नहीं आता इसके पीछे दीर्घ का लघु बनाने की मानव सहज प्रवृत्ति है या यह कोई नया फैशन है, अथवा यह भी हो सकता है कि लोकोपयोगी विभाग वालों ने गांवों के नाम लिखने के लिए छोटे फलक बनाए हो, फिर उनके आकार अनुसार नामों को भी काट छांट कर छोटा बनाया गया हो। इस संकोच प्रक्रिया की बलि बने हुए कुछ गांवों के नामों का परिशीलन करना ठीक रहेगा। सुंदर तिरुमकुडलू नरसीपुर अब टी नरसीपुर बन गया है। आगे आने वाले संशोधकों को पथभ्रष्ट करने का काम है यह। आगे चलकर कभी दैववशात हमारे देश से अंग्रेजी भाषा के हट जाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ तो इन इनिशियलों का अर्थ ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सी हियर ऑल्सो वी विल सी द हार्ड वर्ड फर्स्ट। शहरों मीन्स सिटीज। बांट मीन्स टू डिवाइड। सहज प्रवृत्ति मीन्स सिंपल ट्रेंड, सिंपल फैशन। नया फैशन मीन्स न्यू फैशन, न्यू ट्रेंड। लोकोपयोगी मीन्स पब्लिक यूटिलिटी। विभाग मीन्स डिपार्टमेंट। गांवों मीन्स विलेजेस। छोटे फलक मीन्स स्मॉल पैनल्स, स्मॉल बोर्ड्स। संकोच मीन्स हेसिटेशन। परिशीलन मीन्स टू टॉक अबाउट और टू थिंक अबाउट। संशोधक मीन्स चेंजेस, अमेंडमेंट्स। पथभ्रष्ट डिस्ट्रक्शन। दैववशात मीन्स अनफॉर्चुनेटली। सौभाग्य चांस। सो दीज वेर द हार्ड वर्ड्स। सी देर वॉज अ टाइम
when initials were used only before the names of people. But today we are doing the same to the names of cities. Initials are applied to the names of cities as well. It is difficult to understand whether it is a human tendency to change the names or it is a new fashion. The author also makes fun by saying it that it is possible that public utility department must have got small boards, small panels to write the names of cities. So they have cut short the name to fit on the board. Actually, the author is guessing why they are putting initials instead of writing big names. He says the names of few villages have become victim because of short forms. Like Tirumkodlu Narsipur has now become TN Narsipur. These short names in future may disguise people, and if in case English language is taken away from our country, it would be difficult to find out the meaning of these initials. Okay. Then next, अनेक खोजों की जाएगी और विचित्र परिणाम प्राप्त होंगे. संशोधक शायद इसे इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि टी नरसीपुर नाम प्रायश नरसीपुर में चाय के बागान होने के कारण आया होगा. वह तो फिर भी अच्छा ही है. समझ लीजिए कि करिदोड्डन पाल्या नामक एक गांव है. यह केड़ी पाल्या बन जाएगा. क्रमांश वह केड़ी पाल्या में रूपांतरित हो जाएगा और गांव को बदनाम कर देगा. आगे चलकर एक दिन संशोधक निर्णय लेंगे कि इस गांव में केड़िए केडियो केडियो मीन्स गुंडे के होने से यह नाम आया होगा और इस तरह उस गांव की निष्कलंक कीर्ति में दाग लग जाएगा. अंग्रेजी के पूर्वाक्षरों से होने वाली हानि देखी न अपने. अब होले नरसीपुर की कहानी सुनिए. मनोहर मंजुल निनाद करती हेमावती नदी और नरसिंह का वह भव्य मंदिर वह होले नरसीपुर आज HN पूरा बन गया है. क्रमश इसका हेचपुर फालतू नगर अथवा हेचमपुर में कन्नड़ीकरण हो जाएगा. इसके इर्द गिर्द दंत कथाएं फैल जाएगी. कुछ भी कहिए, नदी नरसिंह सब अंग्रेजी के आद्याक्षरों में डूबकर उनकी सुंदरता लोकोपयोगी विभाग के पत्थरों में पत्थर बन गई है. यह होले नरसिंहपुर वालों का हेमावती नदी और नरसिंह का भी बदनसीब ही है. ओके, सो हियर विचित्र परिणाम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विचित्र परिणाम? स्ट्रेंज रिजल्ट. ओके, स्ट्रेंज रिजल्ट. संशोधक मीन्स चेंज, अमेंडमेंट. चाय का बागान मीन्स टी गार्डन, टी प्लांटेशन. रूपांतरित मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन. बदनाम मीन्स डिफेम, डिसग्रेस. निष्कलन मीन्स स्पॉटलेस. दाग मीन्स स्पॉट. दंत कथाएं मीन्स स्टोरीज. एंड बदनसीब मीन्स बैड लक. सी, इफ वी डू द रिसर्च टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द नेम्स, वी वुड गेट स्ट्रेंज रिजल्ट्स. Okay, if we do the research to find the full names of the initials, then what will be the result? The result will be strange. It will be shocking. Like if you look into the reason why T. Narsipur has become shorted, it has been shorted, we would come to know that T stands for T, T-E-A-T. And we may guess there would be a tea plantation in this place. And hence we got T. Narsipur. See how the meaning has changed. He is telling to imagine there is a village named Karidoddan Palya. Who is telling to imagine? The author is telling you to imagine that there is a place that has a name Karidoddan Palya, which would become Kedi Palya. If you do the short form of Karidoddan Palya, it will become Kedi Palya. And people would think here Kedi lives. Kedi means thieves, rowdies, goons, all bad people. Okay. So this would bring disgrace to the village, means it will bring bad name to the village. Unnecessary, the image of village will be spoiled. Now he is giving another name of village, Hole Narsipur.
This village, with humming sound of Hemavati river and majestic temple of Narasimha, has become H.N.pura. Now Hole Narasimhpur has become H.N.pura, or it may be changed to Hechipura or H.M.pura, which means worthless, useless. And then people will again think here people are useless. So these type of names are kept here. So like this, all the names of villages are misunderstood. It will completely change the meaning. It will lose all its beauty. And this is bad luck for the people who resides in these places. Okay. Now let's see the next paragraph. Chikkanayakan Halli Kohi Lijiye. Aaj vah Siyan Halli ban gaya hai. Aage chalkar vah Siyan Halli bhi ho sakta hai. Vaise hi Channarai Pattan C.R. Pattan ban gaya hai. Heggad Devan Kothe H.D. Kothe bana hai. इन प्रदेशों पर जिन जिन नायकों ने, राजाओं ने, देवताओं ने राज किया था, उन सबको पूर्वाक्षरों में छिपा देना बड़ा ही दर्दनाक विषय है। कालमुद्दन दोड्डी आज के.एम. दोड्डी कहलाता है। पता नहीं कब श्रवण बेलगोल एस.बी. गोल बन जाएगा, विजयपुर बीपुर बन जाएगा। दो तीन शब्दों से बने नामों में पूर्वाक्षरों के प्रयोग से हस्वीकरण हो जाता है। लगता है आजकल लंबे लंबे नाम पुकारने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। ओके, सी हियर, ओके हियर, दर्दनाक, दर्दनाक मीन्स पेनफुल, हस्वीकरण, हस्वीकरण मीन्स एब्रिविएशन, ओके, Hasvikaran means abbreviation. So if you take the example of Chikkanayakan Halli, if you take the example of Chikkanayakan Halli, now it has become C.N. Halli. In future, it may become C.N. Halli. Similarly, Chennarayapattan has become C.R. Pattan. And Heggad Devan Kote has become H.D. Kote. All these initials are hiding the originality of the places, okay, because they are shorted now, the full name they have shorted to the initials, and when we do the research to find out what is the full form of these names, we may take it as a wrong meaning, we may be misguided because of the short names. See, all these initials are hiding the originality of the places. Kings, rulers and leaders who rule these places have lost their names. And this is very painful. And again, Kalmuddin Doddai has become K.M. Doddi. We can't say when Shravan Belgol will become S.B. Gola and Vijaypur will become Vipura. When we use initials for the names of 2-3 words, it becomes abbreviation. What is abbreviation? When we use 2-3 initials and it becomes small word, it becomes abbreviation. Then next is, Ek zamana tha jab Tirumale Srinivas Varad Ranganath Deshik Tatachar adi naam rakhe jate the. Subha naam pukarna prarambh karo to samapt hote hote sham ho jati thi. Aaj samay bhav ke karan हम मोहन संदीप जैसे छोटे छोटे नाम रख रहे हैं, लेकिन शहरों गांवों के नामों को तो उनके हाल पर ही छोड़ सकते थे। शायद अंग्रेजों ने भी अपने गांवों के नामों को इस तरह विकृत नहीं किया होगा। इस एक विषय में हम उनसे भी आगे बढ़ गए हैं और सब नामों को हमने छोटे छोटे फॉर्मूलों की तरह बना डाला है। इस नाममय संसार में झूठो है यह जग वाले सिद्धांत अनुसार हम उनके आग नामों को अदृश्य बना रहे हैं। ओके, सो हियर जमाना, जमाना मीन्स जनरेशन, जमाना मीन्स जनरेशन, पुकारना मीन्स कॉल, प्रारंभ मीन्स स्टार्ट, समाप्त मीन्स एंड, शाम, शाम मीन्स इवनिंग, समय भाव मीन्स लैक ऑफ टाइम, विकृत मीन्स डिस्टॉर्ट, सिद्धांत अनुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू द थियोरी,
then adrishya means invisible. Okay, see, it seems today people have no time to call big names. There was a time when people had long names like Tirumala, Srinivas, Varad, Ranganath, Desik, Tatachar. So big name people used to have in earlier days. But now they are keeping short names like Mohan, Sandeep. Why? Because they don't have time to call such big names. If they start to call their name in morning, it would be evening to complete their name. Okay, so like this the scenario was. And now what they are doing? Now they are keeping small and stylish names like Mohan, Sandeep. But they could have left the names of cities and villages as it is. Why they are changing the names of cities and villages? Simply they are changing the names of cities. Yes, the author believes we are following this trend on the basis of the theory, this world is false. So what the author is saying, that we are following a theory. Which theory? This world is false. Jhooto hai yah jag. This theory we are following, and we are changing the names of the cities and everyone's names we are changing. What is the meaning of this theory? Where we are changing original names to fake names. We are changing the original names to false names, fake names. We are converting names to formulae. Okay, so English people would have not done like this to their names, but we are ahead of them in this matter. We are ahead of English people. Okay, then next is, मुझे लगता है व्यवहार में आसानी लाने के लिए आगे चलकर हमारे सारे व्यवहारों में इसी तरह की हस्व अभिव्यक्ति का स्टाइल चल पड़ेगा. उदाहरण के लिए अगर कोई कहे कि मैंने एक संकल्प किया है, उसके लिए टीडी जाकर वीसी के दर्शन कराऊंगा, तो हमें आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए. इसका अर्थ यह होगा कि तिरुपति देवालय जाकर वेंकटाचलपति के दर्शन कराऊंगा. उसी तरह अगर कोई कहे कि एम कोठे जाकर सीआर स्वामी से मिलकर आऊंगा, तो हमें उलझन में नहीं पड़ना चाहिए. इसका मतलब यह है कि मुले कोटे जाकर चलुवराय स्वामी से मिलकर आऊंगा. वैसे ही अगर कोई आस्तिक महाशय कहे कि वीजी स्वामी का अभिषेक कराना है, तो समझना चाहिए कि वेणुगोपाल स्वामी का अभिषेक किया जा रहा है. हमारा बिलीगिरी रंगन बेट तो बी आर हिल्स बनकर पूरा अंग्रेजी हो गया है. उसमें वास्तव्य करने वाला रंगनाथ स्वामी भी आर एन स्वामी बन गया है. आप डी आर दुर्ग जानते हैं? वही अपना देवरायण दुर्ग. वहां दो स्वामी जी रहते हैं, एक है वाई एन स्वामी और दूसरे बी एन स्वामी, यानी योगानर सिंह स्वामी और भोगानर सिंह स्वामी. नरसिंहपुर में जी एन स्वामी रहते हैं, यानी गुंजन हर सिंह स्वामी. ओके, सो नाउ हियर व्यवहार मीन्स बिहेवियर. व्यवहार मीन्स बिहेवियर. आसानी मीन्स ईजी. संकल्प मीन्स रेजोल्यूशन. दर्शन मीन्स विजिट. उलझन मीन्स कंफ्यूजन. वास्तव्य मीन्स रियल. सो हियर ऑथर फील्स पीपल वॉन्ट ईजी वर्क. दे डोंट वॉन्ट टू हैव बर्डन ऑफ थिंग्स. सो दे आर कट शॉर्टिंग द नेम्स एंड इट विल बी ट्रेंड इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन हैज टू से I have made a resolution for which I will go to TD and see VC. We should not be surprised. Its meaning is, I will go to Tirupati temple and see Venkatachalpati. Similarly, if one says, I will go to M Kote and see CR Swami, we must not be confused. Its meaning is, I will go to Melukote and see Cheluvarai Swami. And if someone says, V.G. Swami's Abhisheka has to be arranged, we should understand it. It means Venugopal Swami's Abhisheka. Okay, so here we understood how we need to understand the short forms. Yes, now another short form is our
बिलिगिरी रंगना बेट्टा. इट हैज बिकम बी आर हिल्स विच इज कंप्लीटली इंग्लिश नेम. देन द नेम रंगनाथ स्वामी हैज ऑल्सो चेंज टू आर एन स्वामी. डू यू नो डी आर दुर्गा? इट्स देवरायन दुर्ग. वॉट इज डी आर दुर्ग? देवरायन दुर्ग. हियर टू स्वामीज लिव, दैट इज वाई एन स्वामी एंड डी एन स्वामी. फुल नेम इज योग नरसिंह स्वामी एंड भोग नरसिंह स्वामी. एंड जी एन स्वामी, दैट इज गुंज नरसिंह स्वामी, लिव्स इन टी नरसिंहपुरा. नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ. अत्यंत मनोहर सुंदर वृंदावन गार्डन्स वाला कृष्णराज सागर आज नीरस आर के आर सागर हो गया है. इसका लघुकरण वहीं पर नहीं रुका है, वह के आर एस बनकर अंग्रेजी वर्णमाला के तीन अक्षरों में सिमट कर अपनी पहचान भी खो बैठा है. यह भी हमारा दुर्दैव है कि श्रीरंगपट्टन एस आर पट्टन बनकर रंगनाथ स्वामी आज आर एन स्वामी बन गया है. व्यक्तियों के नामों का इन इनिशियलों में छुपना तो ठीक है, पर गांवों के नामों के लिए इसकी जरूरत नहीं है. यह तो सरासर अन्याय है. व्यक्तियों के नामों के लिए इस प्रकार हस्वीकरण आवश्यक है, नहीं तो कोई किसी को पुकार नहीं सकेगा. अपने नाम के पीछे कुल का नाम, गांव का नाम, बाप का नाम आदि सब कुछ लगा लेने वाले का इस देश में नाम लेकर पुकारना एक महासाहस बन जाता है. ये बड़े बड़े नाम याद रखकर पुकारते पुकारते शाम हो जाती है. ओके, सो हियर अत्यंत मनोहर मीन्स वेरी अट्रैक्टिव. वर्णमाला मीन्स अल्फाबेट. अक्षरों मीन्स लेटर्स. सिमटकर मीन्स रिड्यूस्ड, श्रिंक्ड. पहचान मीन्स आइडेंटिटी. दुर्दैव मीन्स मिसफॉर्च्यून. छुपना मीन्स हाइड. अन्याय मीन्स इनजस्टिस. महासाहस मीन्स एडवेंचर. ओके, सी द वेरी ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव कृष्ण राज सागर डैम विथ वृंदावन गार्डन हैज टूडे बिकम के आर सागर. इट हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड इन टू थ्री लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज के आर एस. इट हैज लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी. इट इज अवर मिसफॉर्च्यून दैट श्री रंगपट्टन हैज बिकम एस आर पट्टन एंड रंगनाथ स्वामी हैज बिकम आर एन स्वामी. इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम इफ पीपल आर कॉलिंग आउट देयर नेम्स इन इनिशियल्स, बट वाई दे आर कटिंग डाउन द नेम्स ऑफ विलेजेस? देर इज नो नीड टू शॉर्टन द नेम्स ऑफ विलेजेस. दिस इज अनजस्ट. कॉलिंग आउट विथ शॉर्ट नेम्स टू पीपल इज ओके, अदरवाइज लॉन्ग नेम्स वुड बी डिफिकल्ट टू कॉल एवरी टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर नेम इज तेजस्विनी, राधा कृष्ण, चौड़ेश्वरी, यू मे कॉल तेजू. इट इज क्वाइट इजियर टू कॉल. But if someone add his family name, father name, village name to his name, it sounds adventurous. It would take long time to call out full name. Yes? Then next paragraph. पूरी तरह से व्यक्तिगत होने पर भी इस संदर्भ में एक घटना के बारे में कहने को जी चाहता है. मैं IPS उत्तीर्ण होकर आगे की पढ़ाई के लिए माउंट आबू की शिक्षा अकादमी में गया था. पहले दिन हम सबको एक कतार में खड़ा कर एक अफसर हम सबके नाम लिखने लगे. हम कवायद मैदान में ही खड़े होकर नाम बताने लगे. सबको अपना अपना पूरा नाम बताना था, यानी पूर्वाक्षरों का विस्तार कर बताना था. इस तरह नामों को बताना प्रारंभ हुआ. पहले ने अपना नाम महेंद्र नारायण सिंह बताया, दूसरे ने देवव्रत बंगोपाध्याय. ऐसे ही चल रहा था. मेरी बारी आई. मैंने एक ही सांस में आबाद गति से अपने PS इन पूर्वाक्षरों का विस्तार कर प्रतिवादी भयंकर संपत कुमारचार्य रामानुजम बताया. उस अफसर ने क्षण भर के लिए मुझे गर्दन उठाकर देखा और तीक्ष्ण स्वरों में दृढ़ता पूर्वक कहा, मेरे ऑफिस में आकर इसे लिख जाना. और बिना कुछ लिखे वे अगले शिक्षार्थी का नाम लिखने लगे. नाम अगर इतना लंबा हो तो बेचारे और क्या कर सकते हैं. ओके, सो हियर व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल. संदर्भ मीन्स रेफरेंस. घटना मीन्स इंसिडेंट. उत्तीर्ण मीन्स पास आउट टू क्लियर.
कतार मीन्स लाइन, क्यू. कवायद मैदान मीन्स ओपन ग्राउंड, परेड ग्राउंड. विस्तार, विस्तार मीन्स डिटेल. आबाद गति मीन्स फुल स्पीड, इन वन गो. देन क्षणभर, क्षणभर मीन्स फॉर अ वाइल, फॉर अ मिनट. गर्दन मीन्स नेक. दृढ़तापूर्वक मीन्स स्ट्रांगली, फर्मली. शिक्षार्थी मीन्स स्टूडेंट, लर्नर. So now here in this para, the author is sharing his personal incident. When he cleared his IPS exam, he had gone to Mount Abu Academy for training. On first day, all the students were made to stand in a line and an officer wrote down their names. They were standing on the parade ground, that is an open ground. Everyone had to tell their full name, that is no initials, full names they had to tell. First student said his name is Mahendra Narayan Singh. Then second one told Devrat Bandopadhyay. Like that, some students said their name. Then it was the turn of author. He said, my name is Pratibadi Bhayankar Sampath Kumar Acharya Ramanujan. Such a long name, he said. The officer who was writing the names of the students immediately looked at the author for a while and said firmly, come and write your name by yourself, and continued to write the names of other students. For that, the author tells, if the name is so big, what else could officer do? Even the officer got confused by his name. It was so big that he told the author to come and write by himself. Okay, then next paragraph. खैरियत इस बात की है कि अब तक हमने इस पूर्वाक्षरों की पद्धति का प्रयोग पाठ्य पुस्तकों पर नहीं किया, विशेष इतिहास की पाठ्य पुस्तक पर. अगर ऐसा कुछ हो जाए तो राणा प्रताप सिंह आर पी सिंह बन जाएगा, औरंगजेब ए जेब बनेगा और समुद्र गुप्ता एस गुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त सी गुप्त और अमात्य राक्षस ए राक्षस बनेगा, पुलिकेशी पी केशी और मयूर वर्मा एम वर्मा बनेगा. इस तरह से नामों के अर्ध भाग इनिशियलों में छिपते ही जा रहे हैं. कभी कभी तो पूरा का पूरा नाम ही अंग्रेजी वर्णों में सिकुड़ जाता है. पाठशाला कॉलेजों में यह आम बात है. सभी अध्यापक विद्यार्थियों की जीभ पर अंग्रेजी के वर्णन बनकर सुशोभित होते हैं. अंग्रेजी वर्णों का प्रभाव हमारे नामों पर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है. यह एक नया वर्ण व्यामोह है, इसका हमें त्याग करना चाहिए. कन्नड़ के वर्णों का प्रयोग ही हमारे लिए शेमकारक है. कन्नड़ के उन सुंदर नामों का संपूर्ण रूप में प्रयोग करना और भी अच्छा है. हमारा उच्चारण भी शुद्ध होगा और नाम भी बच जाएंगे. ओके, सो हियर खैरियत, खैरियत मीन्स गुड. पद्धति, पद्धति मीन्स ट्रेडिशन. इतिहास मीन्स हिस्ट्री. अर्धभाग मीन्स हाफ नेम, अर्धभाग मीन्स हाफ नेम. देन अंग्रेजी वर्णों मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट. अध्यापक टीचर, विद्यार्थी स्टूडेंट्स. सुशोभित मीन्स ब्यूटिफाइड और अडोन्ड. देन उच्चारण मीन्स प्रोनंसिएशन. बच, बच मीन्स सेफ. ओके, सो हियर द ऑथर सेज इट इज गुड दैट वी हैव नॉट अप्लाइड दिस ट्रेडिशन ऑफ शॉर्टनिंग द नेम्स टू टेक्स्ट बुक्स, एस्पेशली हिस्ट्री बुक्स. इफ नॉट, राणा प्रताप सिंह वुड हैव बिकम आर पी सिंह एंड औरंगजेब वुड हैव बिकम ए जेब. समुद्र गुप्ता वुड हैव बिकम एस गुप्ता. चंद्र गुप्ता वुड हैव बिकम सी गुप्ता. अमत्य राक्षस वुड हैव बिकम ए राक्षस एंड पुलिकेशी वुड हैव बिकम पी केशी एंड मयूर वर्मा वुड हैव बिकम एम वर्मा. मीन्स ऑल द नेम्स आर गेटिंग इनिशियल्स नाउ. सो दीज नेम्स यू विल सी इन history textbooks. The author is thanking that at least these names are not shortened. So right from the beginning of this chapter, we have seen many long names getting short names, be it names of people, village, place or anything, all are becoming short. Then beautiful names are converted to initials. Yes or no? Beautiful names are converted to initials. Nowadays it has become trend all over.
to put initial rather than telling the full name. Even in schools, teachers and students are using stylish names on their tongue. We may like to use short and stylish words, but according to the author, he feels that there is a drawback in using short names. It is losing our identity. It is losing our originality. So with the help of this chapter, he tried to give the message that let us not change the beauty of our names and language. Let us follow old tradition of keeping names of people and villages and not dive into new English trend. Our beauty and pronunciation of words will be good if we hold our old tradition and move forward. So this message he is trying to give. So what we come to know from this chapter that the author is not happy with the initials. He wants people to call out the original names rather than calling the initials, because it is not good and people are misunderstanding, they are misguided. Okay, so I hope this with the help of this video you have understood the explanation of the chapter. And if you want notes, then stay tuned to my channel. You will get all the explanation and notes of Hindi chapters in this channel.